हेलो फ्रेंड्स, गायत्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल ऑक्सिलरी सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट में जो आपको काम करवाया जा रहा है उसके बारे में हम ये जानकारी लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट्स वहां से करके आए हैं उनके पूछताछ के आधार पर, हमारे अनुभव के आधार पर ये वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो देखिए, सफाई कर्मचारी में जो केमिकल्स वगैरह के बारे में जो पूछताछ की जा रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सफाई कर्मचारी के जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें मास्क, भाई हम सफाई कर रहे हैं तो हमारा बचाव खुद का भी ज़रूरी है। तो एसिड वगैरह की जो तेज़ गंध है या कहीं बदबू है वो हमें खुद को परेशान नहीं करे, उसके लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना है। दूसरे स्थान पे आता है अपना ग्लव्स। ये सर्जिकल ग्लव्स हैं, जो डॉक्टर लोग जो ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं वो ग्लव्स हैं, इसको आपको इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये राइट कफ इस पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये राइट हैंड में पहनने वाला ग्लव्स है और इसके नीचे लेफ्ट हैंड में पहनने वाला ग्लव्स है। इसमें आपको पूछा जाता है कि यदि एसिड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो एसिड का इस्तेमाल ग्लव्स पहन के ही किया जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला, ये कपूर की गोलियाँ नेफ्थल एंड बॉल्स जो है वो यूरिनल पॉइंट्स में, वॉशबेसिन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपूर एक ऐसा पदार्थ है कि जो ठोस से डायरेक्ट ही गैस ये फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो ये कपूर उड़ता रहता है और उसकी जो बदबू वगैरह जो है वो दबाता रहता है और इसे कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि को भी अपने नज़दीक नहीं आने देता वहाँ पर। तो ये वहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, वहाँ पर ये आपको खोल के कपूर की गोलियाँ रखी हुई मिलेंगी। तो ये आपको ध्यान से देख लेना है कि इसको कपूर की गोलियाँ हैं, ये बताना है। इसके बाद में अगली जो ये टिकिया देखिए, ये साबुन जैसा दिखाई देगा, तो इसको साबुन नहीं बताना है आपको, ना ही इसको फिटकड़ी भी नहीं बताना है। ये जो बाज़ार में बहुत सारे प्रकार के एयर फ्रेशनर जो है वो अवेलेबल है, तो इसको हमें आपको बताना है एयर फ्रेशनर। ये टिकिया टूट गई है लेकिन ये पूरा टिकिया जो है, पूरी साबुन टिकिया होगी, ये हमारा टूटा हुआ है, इसको देखिए इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। इसको आप छूते हैं तो बिल्कुल ये चमकीला नज़र आता है। फिटकरी में और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं होता है। इसकी आप खुशबू लेके देख सकते हैं, खुशबू से खुशबू, कई प्रकार की खुशबू की टिकियाँ ही आती है, जैसे गुलाब की, केवड़ा, खसखस, चमेली आदि बहुत सारी प्रकार की आती हैं। तो ऐसा कोई भी आप एक मार्केट से लेके उसको सूंघ कर आप पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला है एसिड। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये एसिड की बोतल के ऊपर जो कवर लगा हुआ है, वहाँ आपको जो एसिड मिलेगा उसकी बोतल पे कवर नहीं होगा, या उसके बोतल पर हो सकता है वो और कुछ नाम दूसरा लिख देते हैं। तो ये आपको पहचान करनी है कि वहाँ आपको बिना कवर के एसिड की बोतल मिलेगी, आपको उसके रंग से पहचानना है कि ये पीले रंग का जो है वो एसिड है। अगला देखिए, ये है काला फिनाइल। ये काला फिनाइल भी अभी ये जो उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वहाँ पर आपको लेबल नहीं मिलेगा, वहाँ पर उतारा हुआ मिलेगा लेबल, ये काले रंग का है। और इसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये देखिए इसका रंग इस प्रकार का हो जाता है। ये पानी में घोल दिया है, इसको पानी में ये कितना भाग घोला जाता है तो ये आपको यदि पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि 1%, यानी कि एक भाग जो है 100 भाग पानी में 1 भाग काला फिनाइल हम डालेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल जो घरों में हम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में कर सकते हैं, बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा है वाइट फिनाइल, यह सिर्फ जिसको बोलते हैं फिनाइल, ये फिनाइल है। ये भी वहाँ पर आपको लेबल हटा हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ उसका रंग देख के पहचान करना है। ये लेबल देखिए हम यहाँ पर आपके लिए हटा देते हैं और इसका खुशबू भी आपको लेकर देख के जाना है, खुशबू से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ये बिल्कुल वाइट जैसा नज़र आता है। इसमें आपको जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाता है। तो देखिए दोनों आप पहचान कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो में हम आपको बहुत ही नज़दीक इसके लेकर जाते हैं। ये देखिए, ये वाइट फिनाइल और ये काला फिनाइल। वाइट जो है वो थोड़ा सा वाइटिश है और काला जो है वो थोड़ा सा उसमें काला है, ये आप
यदि पानी में घुला हुआ आपको दिखाया जाता है वहाँ पे, तो आप इस तरीके से उसकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में अपना आता है टॉयलेट क्लीनर, जो कि मार्केट में बहुत सारी ब्रांड के उपलब्ध हैं। ये हमारा जो है ये नीला हार्पिक हमने यहाँ पे लिया है। एक लाल हार्पिक भी आता है जो टॉयलेट में जो टाइल्स वगैरह हैं उनको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आता है देखिए डेटॉल। डेटॉल को भी आपको रंग से पहचानना है, ये डेटॉल का जो रंग है ये किस प्रकार। देखिए पेट्रोल जैसा है, यदि पेट्रोल और डेटॉल दोनों रख लेता है तो पेट्रोल थोड़ा इसमें पारदर्शी ज़्यादा होगा, अतः उसका रंग जो है थोड़ा सा हल्का होगा, और ये गहरा रंग है। ये जब हमने डेटॉल को पानी में घोला है तो ये देखिए डेटॉल इस प्रकार का। इनकी आपको पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके आप खुशबू लेकर आप पहचान करके घर से आप अच्छे से जाएं। और अगला आता है अपना ब्लीचिंग पाउडर। ये अपना ब्लीचिंग पाउडर है, इसका इस्तेमाल बाथरूम्स वगैरह में, जो खुले टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, रेलवे लाइन के जो प्लेटफार्म पर, रेलवे लाइन के साथ साथ इसका इस्तेमाल सफाई करने के बाद में इसको डाल दिया जाता है, या इसको पानी के शोधन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पहचान करके जानी है, वो जो हमें यहाँ पे मिली नहीं, कि धोने का सोडा, जो कपड़े धोने का सोडा है वो भी आपको पहचान करके जाना है। इसके अलावा झाड़ू, बांस झाड़ू, जाला ब्रश, टॉयलेट ब्रश, ये सब भी आपको पहचान करके जाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई जानकारी हमें मिलती है ब्लड टेस्ट के बारे में तो हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद।